हेलो दोस्तों, देखिए डेयरी केमिस्ट्री के पिछले वीडियोस में हम आपको जो आपका मिल्क केमिस्ट्री थी उसमें हम आपको मिल्क प्रोटीन, मिल्क विटामिन, मिल्क एंजाइम और जो है आपके मिल्क जो भी आपके हार्मोन होते हैं उनके बारे में हमने आपको बता दिया था। आज हम बात करेंगे मिल्क लैक्टोज के बारे में। मिल्क लैक्टोज क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि आपका मिल्क लैक्टोज क्या होता है। इसके बाद मिल्क लैक्टोज के बाद जो आपका आपकी अगली यूनिट होगी वह होगी आपकी एनिमल न्यूट्रिशन की, क्योंकि जो आपकी मिल्क केमिस्ट्री है वह लगभग यहाँ पर पूरी हो जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में कि किस प्रकार से एनिमल्स को हम न्यूट्रिशन दें ताकि वह अच्छी तरीके से अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सके। तो देखिए बात करते हैं मिल्क लैक्टोज की। लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज मिल्क में पाई जाने वाली एक शर्करा कह सकते हैं, शुगर कह सकते हैं, या इसी को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। मिल्क जो आपकी लैक्टोज होती है वह क्या होती है? जो आपकी लैक्टोज होता है वह आपकी एक प्रकार की शुगर होती है। शुगर कह लें या हम कार्बोहाइड्रेट कह लें, क्या कह लें? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने बताया है आपको, कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है जिसमें CHO यानी कि कार्बोहाइड्रेट, CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, जो कि आपका एक शुगर होती है। और शुगर लैक्टोज कैसी शुगर है? यह जो है दिस इज ए डाइसैकेराइड शुगर। डाइसैकेराइड का मतलब होता है यह जो है इसमें दो प्रकार की शर्करा पाई जाती है। वह कौन कौन सी दो शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज में दो प्रकार की शर्करा पाई जाती है, एक तो होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है गैलेक्टोज। क्या होता है? एक होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है गैलेक्टोज। लैक्टोज के फॉर्मूले की यदि हम बात करें तो लैक्टोज का फॉर्मूला होता है C12H2O11। क्या होता है? C12H2O11 होता है। इसमें क्या होता है कि यदि हम C12H2O11 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और गैलेक्टोज का भी फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, इस प्रकार से इनके फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, लैक्टोज के बारे में हम थोड़ी सी और बात करेंगे। जो आपका लैक्टोज होता है वह हमारे मिल्क में कितना पाया जाता है? तो मिल्क में जो आपका लैक्टोज होता है उसका परसेंटेज 4.6% होता है। कितना होता है? 4.6% होता है आपका मिल्क में लैक्टोज पाया जाता है, जो कि आपका डाइसैकेराइड शुगर है जिसमें आपका एक ग्लूकोज का अणु होता है, दूसरा आपका गैलेक्टोज का अणु होता है, जिनके मिलने से लैक्टोज बनता है। क्या बनता है? लैक्टोज बनता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है आपका यह एक डाइसैकेराइड शुगर है जो कि मिल्क में पाया जाता है। इसी पर यदि हम बात करें कि जो आपका लैक्टोज होता है या कैसे टूटता है, तो लैक्टोज का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? C12H2O11। तो जैसे यहीं पर समझ लीजिए, जो आपका C12H2O11 है इसी में यदि हम जल को ऐड करते हैं, जल का मतलब है यदि हम इसमें जल जो आपका H2O को यदि हम ऐड करते हैं तो एक अणु ग्लूकोज का बनता है और दूसरा अणु गैलेक्टोज का बन जाता है। इसी प्रकार से इनका जो है क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो आपका जो मिल्क लैक्टोज था, पुनः एक बार समझ लें कि लैक्टोज है यह आपका एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है। या मिल्क में पाई जाने वाली शर्करा होती है जो कि मिल्क में जिसका परसेंटेज 4.6% होता है, इसमें यदि हम जल को ऐड करते हैं तो यह ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट जाता है, जो कि एक डाइसैकेराइड शर्करा होती है जिसे हम लैक्टोज कहते हैं। लैक्टोज का फॉर्मूला C12H2O11 होता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज के फॉर्मूला क्रमशः C6H12O6 और C6H12O6 होते हैं। ठीक है, इतनी बात लगभग आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए एक लैक्टिक फर्मेंटेशन करके एक टर्म आता है। क्या आता है? लैक्टिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक फर्मेंटेशन किसे कहते हैं, थोड़ा सा समझिए कि लैक्टिक फर्मेंटेशन क्या होता है। यहाँ पर देखिए जो आपका लैक्टिक फर्मेंटेशन होता है उसमें यही चीज बताई जाती है कि जैसे आपके जो भी एनिमल्स होते हैं उनमें एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम पाया जाता है और उस एंजाइम का नाम होता है गैलेक्टो वेल्डनेज एंजाइम होता है। इसका कार्य क्या होता है? जो आपका विशिष्ट एंजाइम होता है, स्पेशल एंजाइम होता है जो कि एनिमल बॉडी में पाया जाता है, इसका कार्य होता है जो आपका ग्लूकोज को गैलेक्टोज में परिवर्तित कर देता है, और गैलेक्टोज में परिवर्तित होने के बाद यह लैक्टोज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? यह लैक्टोज का निर्माण करता है। तो यहाँ पर देखिए हो सकता है कि पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बनेगा कि ग्लूकोज को गैलेक्टोज में परिवर्तित करने वाला जो एंजाइम होता है वह कौन सा होता है? तो वह होता है आपका गैलेक्टो वेल्डनेज एंजाइम। कौन सा? और यह कौन सी क्रिया के अंतर्गत होता है? तो यह होता है आपका लैक्टिक फर्मेंटेशन नामक जो आपकी क्रिया होती है उसके अंतर्गत होता है। ठीक है, इतनी बात लगभग आप समझ गए होंगे। अब देखिए लैक्टोज को यदि हम लैक्टोज के टाइप की यदि हम बात करें कि लैक्टोज कितने प्रकार का होता है, या इसके हम थोड़े से क्लासिफिकेशन की बात करें कि लैक्टोज का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जा सकता है, तो देखिए यहाँ पर
जो भी है आपका, जो आपका लैक्टोज है वह मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। किन दो भागों में? एक तो आता है आपका अल्फा लैक्टोज, अल्फा लैक्टोज, और दूसरा आता है आपका बीटा लैक्टोज। अल्फा लैक्टोज और दूसरा आता है आपका बीटा लैक्टोज। अल्फा लैक्टोज को पुनः दो भागों में बांटा गया, जिसे हम कहते हैं मोनोहाइड्रस। क्या कहते हैं? मोनोहाइड्रस। और दूसरा होता है आपका एनहाइड्रस। क्या होता है? मोनोहाइड्रस और दूसरा होता है आपका एनहाइड्रस। तो इस प्रकार से इनको जो है मुख्यतः दो चरणों में इनको विभाजित किया गया, अल्फा लैक्टोज और बीटा लैक्टोज। अल्फा लैक्टोज को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, मोनोहाइड्रस और एनहाइड्रस में। ठीक है, तो ये है आपका मिल्क लैक्टोज। अब मिल्क लैक्टोज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में अभी हम बात करें कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसके क्या गुण होते हैं। तो मिल्क लैक्टोज को मुख्यतः दो भागों में इसकी प्रॉपर्टीज, एक तो होती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब इसके भौतिक गुण क्या होते हैं। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में यदि हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। नंबर एक, जो आपका लैक्टोज होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में यह रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है, ठोस, रंगहीन, रवेदार, पारदर्शी और उदासीन। उदासीन, ठीक है, यानी कि रंगहीन, ठोस, रवेदार, पारदर्शी और उदासीन होता है। नंबर दो पर इसका जो है आपका यह नॉन सॉल्युबल इन ईथर, नॉन सॉल्युबल इन ईथर, यानी कि जो आपका ईथर होता है उसमें यह घुलता नहीं है। कौन? लैक्टोज जो है वह आपका ईथर में घुलता नहीं है। और उसके अलावा नंबर तीन पर जो है इसका टेस्ट की यदि हम बात करें, इसके टेस्ट की, तो टेस्ट इसका कैसा होता है? स्वीट होता है, यानी कि इसका टेस्ट कैसा होता है? मीठा होता है। ठीक है, लैक्टोज आप जानते ही हैं कि जो आपका लैक्टोज होता है, जब शुगर होगी तो शुगर यह किस प्रकार की शुगर है? यह आपकी एक मीठी शर्करा है। ठीक है, इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू, जो आपकी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, इसकी लैक्टोज की न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है वह जिसे हम हिंदी में कहते हैं पोषक मूल्य। तो आपकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो होती है वह अधिक होती है। कितनी होती है? वह अधिक होती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। हो सकता है कि इसमें से पूछ ले कि लैक्टोज में से कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, या फिर यूं पूछ ले कि ईथर में घुलनशील है या नहीं है, क्या है। तो जो हमने आपको बताया विटामिन है, प्रोटीन है, लैक्टोज है, फैट है, तो इन चीजों के बारे में थोड़ा सा देख लेना। नॉन सॉल्युबल इन ईथर, यह ठोस होता है, रंगहीन होता है, रवेदार, पारदर्शी और उदासीन पदार्थ है। ठीक है, इसका जो टेस्ट है वह स्वीट होता है। न्यूट्रिटिव वैल्यू यानी कि पोषक मूल्य इसका कितना होता है? पोषक मूल्य इसका अधिक होता है। इतनी बात लगभग आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती है लैक्टोज की, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम देखते हैं किसको? हाइड्रोलिसिस के बारे में बात करेंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है आपका जल अपघटन। यदि हम इसका जल अपघटन करते हैं लैक्टोज का, तो खनिज अम्ल अथवा लैक्टोज एंजाइम द्वारा जल अपघटित होकर ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में परिवर्तित हो जाता है, जिसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। क्या बताया था? कि यदि हम लैक्टोज में जल मिला दें, लैक्टोज में यदि हम जल को मिला दें, तो क्या होता है वह ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इतनी बात लगभग हम आपको बता चुके थे। उसके बाद जो दूसरी प्रोसेस आती है वह होती है आपकी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लैक्टोज का यदि हम ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा कि जो आपको ऑक्सीडेशन होता है उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है, जैसे हम ऑक्सीडेशन को हम हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकारक। दो क्रियाएं आपने पढ़ी होंगी, एक होता है ऑक्सीकारक, दूसरी होती है अपचयन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन को हम इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। जबकि रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट क्रियाएं होती हैं। तो यहां पर हम बात करें ऑक्सीडेशन की,
तो लैक्टोज का ऑक्सीडेशन ब्रोमीन वाटर से करने पर लैक्टोबायोमिक ऑक्साइड प्राप्त एसिड प्राप्त होता है। यदि हम इसका जल अपघटन ब्रोमीन वाटर से करते हैं, किससे करते हैं, ब्रोमीन वाटर से करते हैं, तो क्या होगा, यदि हम इसका जल अपघटन ब्रोमीन वाटर से करते हैं तो लैक्टो बायोनिक एसिड प्राप्त होता है, लैक्टो बायोनिक एसिड प्राप्त होता है, लैक्टो बायोनिक एसिड प्राप्त होता है जिससे हमें सिद्ध होता है, लैक्टोबायोमिक एसिड प्राप्त होता है जिससे सिद्ध होता है कि यह एक एल्डिहाइड एल्डिहाइड यह एक एल्डिहाइड समूह है। एल्डिहाइड दो प्रकार के समूह होते हैं, एक होता है एल्डिहाइड, दूसरा होता है कीटोनिक। कीटोनिक में सीओ होता है और एल्डिहाइड में सी एच ओ, यानी कि ये चीजें लगभग आपको केमिस्ट्री में कभी पढ़ाई गई होगी, इलेवेंथ और ट्वेल्थ में ही ये सब चीजें बताई जाती हैं, ठीक है। तो जो आपका रिडक्शन हो गया, रिडक्शन में हमने आपको बताया कि यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना और रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना लैक्टोज के साथ। यहीं पर एक प्रक्रिया और आती है, देख लेते हैं अगली प्रक्रिया क्या है। अगली प्रक्रिया जो है वह है आपकी लैक्टोज सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा लैक्टिक एसिड, जो इसमें दुग्ध में जो आपका लैक्टोज पाया जाता है, उसको लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर दिया जाता है। किसके द्वारा, सूक्ष्म बैक्टीरिया के द्वारा। तो वह सूक्ष्म बैक्टीरिया कौन से होते हैं, वह सूक्ष्म बैक्टीरिया आपका लैक्टोबैसिलस होता है। कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जिसके द्वारा मिल्क में पाई जाने वाली लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जब लैक्टिक एसिड में इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो हम नहीं सॉरी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो क्या होता है कि ये दही बन जाता है। क्या बन जाता है, दही, जिसे हम कर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दही बन जाता है। और जब यह दही बन जाता है तो इसमें जो है इसकी हम एसिड, जब यह एसिड बन जाता है तो इसमें एसिडिटी होगी, एसिडिटी मतलब अम्लीयता होगी, और अम्लीयता शायद हमने आपको बताई होगी, नहीं बताई है चलिए सुन लीजिए, अम्लीयता दो प्रकार की होती है, एक होती है नेचुरल, एक होती है आपकी नेचुरल और दूसरी होती है डेवलप्ड। एक होती है आपकी नेचुरल एसिडिटी और दूसरी होती है आपकी डेवलप्ड एसिडिटी। कौन सी, नेचुरल और डेवलप्ड एसिडिटी। तो इन चीजों के बारे में लगभग आप समझ गए। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले हाइड्रोलिसिस होगा, लैक्टोज प्लस जल मिलकर ग्लूकोज और गैलेक्टोज का निर्माण करेंगे, ऑक्सीडेशन में ब्रोमीन वाटर के साथ लैक्टोबायोमिक एसिड बनाएगा जो कि हमें सिद्ध करता है कि एल्डिहाइड समूह है, ठीक है। लैक्टोज का जब लैक्टिक एसिड में परिवर्तन होगा किसके द्वारा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा, तो वह दही बनता है। और एसिडिटी दो प्रकार की होती है, नेचुरल और डेवलप्ड एसिडिटी। तो इन चीजों के बारे में लगभग आप समझ गए होंगे। बात करते हैं यूज ऑफ लैक्टोज का, लैक्टोज का यूज क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए लैक्टोज का यूज तो यही होता है कि लैक्टोज यानी कि जब हम दुग्ध को पीते हैं, दुग्ध का जब हम मिल्क को कंज्यूम करते हैं तो मिल्क में जो भी आपकी इसको हम ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं, और ऊर्जा के साधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ऊर्जा के साधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा शिशु आहार में जो आपका शिशु आहार होता है, यानी कि जो बच्चों के लिए जो छोटे बच्चे होते हैं आपके, शिशु का मतलब है 1 से 3 वर्ष का बच्चा, शिशु आहार में गाय के दूध के साथ प्रयोग किया जाता है, शिशु आहार में गाय के दूध के साथ प्रयोग किया जाता है, गाय के दूध के साथ प्रयोग किया जाता है। इसका जो है पोषक मूल्य अधिक होता है, किसके कारण, इसी के कारण इसका पोषक मूल्य जिसे हम कहते हैं न्यूट्रिटिव वैल्यू अधिक होती है, ठीक है, अधिक होती है। और इसके अलावा जो आपका जल अपघटित लैक्टोज होता है, जल अपघटित जो आपका लैक्टोज होता है उससे सीरप बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, सीरप बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, सीरप बनाया जाता है। और इसका उपयोग किया जाता है आंतों के, जो आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं तो आंतों के कीटाणुओं को मारने के लिए, किसके लिए, आंतों के कीटाणुओं को मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये है इसके यूज, किसके, लैक्टोज के, ऊर्जा के साधन के रूप में शिशु आहार में गाय के दूध के साथ मिलाकर दिया जाता है, पोषक मूल्य इसका अधिक होता है, जल अपघटित क्योंकि, क्यों दिया जाता है, क्योंकि इसका पोषक मूल्य जो होता है वह अधिक होता है, तो यह
जल्दी से डाइजेस्टेबल हो जाता है, किसके लिए, बच्चों के लिए, ठीक है। इसीलिए गाय का दूध दिया जाता है बच्चों को, क्योंकि इसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी होती है वह कम होती है, इसलिए जो है ज्यादा बच्चे इसको पचा लेते हैं, इसकी डाइजेशन सिस्टम पचा लेते हैं। और जल अपघटित लैक्टोज जो होता है उससे सीरप बनाया जाता है। आंतों के कीटाणुओं को मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, मिल्क लैक्टोज का। तो ये थी बात आपकी मिल्क लैक्टोज की, ठीक है। तो वीडियो, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ये थे आपके मिल्क केमिस्ट्री। मिल्क केमिस्ट्री में हमने आपको मिल्क फैट, मिल्क प्रोटीन, मिल्क विटामिन, मिल्क एंजाइम और मिल्क लैक्टोज के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी, ठीक है। शायद आपका एक स्टार्टिंग में इसका चैप्टर है मिल्क सॉरी अडर के बारे में, अडर के बारे में यदि बचता है तो उसको हम बताएंगे। इससे पहले हम आपको बताएंगे एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में, एनिमल न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। तो एनिमल न्यूट्रिशन के बाद हम देखते हैं कि जो भी इसका रहेगा उसको हम देख लेंगे। और इसके जो पहली यूनिट में जो दिया गया है एडल्ट्रेंट्स होते हैं और जो आपके प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उनके बारे में, जो कि हमने आपको फिफ्थ सेमेस्टर में ही बता दिया था, वो वीडियो हमारे पड़े हुए हैं चैनल पर, जाएंगे आप मिल्क पार्ट वन पार्ट टू और शायद पार्ट थ्री के नाम से, तो हमने उसमें बताया है, तो उन वीडियोस को देख लें तो आपका लगभग संपूर्ण कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बचा है आपका एनिमल न्यूट्रिशन, उसको भी कंप्लीट करा देंगे, आपका संपूर्ण जो सिलेबस है वह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप की बात आपको समझ में आई होगी। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और अभी तक इसके जो हम नोट्स हैं वह इंस्टाग्राम पर आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं, जितने भी नोट्स हैं, ठीक है। तो उसको ज्वाइन कर लें, इंस्टाग्राम उसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, स्टडी विद टैलेंटेड बॉय के नाम से ही हमारा जो है वहां पर भी आईडी है, तो वहां पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर हमारा जो ग्रुप बना हुआ है स्टडी विद टैलेंटेड बॉय के नाम से, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।